सीआईए होटल ने अवैध हथियार से गोली चलाकर अपहरण करने व जान से मारने की नीयत से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों पर कसा शिकंजा। आरोपी को पेश अदालत कर लिया 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। अवैध हथियार बरामद कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। सीआईए होटल प्रभारी निरीक्षक जंगशेर ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनांक 6 नवंबर 2021 को देवराज पुत्र नत्थी निवासी गांव जलहका तैलटी व जिला पलवर ने थाना चांदहट जिला पलवर में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। दिनांक 5/11/2021 को मेरा बेटा निखिल व भतीजा नवीन गोवर्धन पूजन का सामान लेकर करीब 6 बजे शाम को प्लॉट की तरफ जा रहे थे और मैं उनसे करीब 20-30 मीटर पीछे आ रहा था। तभी एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार, जिसकी नंबर प्लेट टूटी हुई थी, बच्चों के पास आकर रुकी और उसमें से मनोज नरवीर धीरज निवासी गाँव बेड़ा पट्टी होटल व अन्य गाड़ी में से उतरे और एक और ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके उसमें बैठा रहा, जिसके बाद मनोज ने अपने हाथ में लिया हुआ कट्टे का बट मेरे बेटे निखिल के सर पर मारा, जिससे वह जमीन पर नीचे गिर गया और नरवीर ने अपने हाथों में ली हुई पिस्टल से ताबड़तोड़ 3-4 फायरिंग किए व धीरज नरवीर व अन्य एक उनका साथी ने मारपीट करके मेरे भतीजे नवीन को जबरन गाड़ी में डाल दिया, जिसके बाद मैंने शोर मचा दिया तो धीरज पुत्र करतार ने मुझे पर जान से मारने की नीयत से सीधा फायर किया और मेरे भतीजे का अपहरण करके वहां से फरार हो गए, जिसके काफी देर बाद मेरे भतीजे के फोन पर घंटी गई, जो कि नवीन ने फोन उठाकर बताया कि मुझे इन्होंने जान से मारने की नीयत से बहुत मारा है और मुझे पहलादपुर गुरवाड़ी के बीच छोड़कर वह कहीं शिकायत न करने की सूरत से जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए हैं। प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना चांदहट में संबंधित धाराओं तहत अभियोग दर्ज किया गया था। 3 आरोपी गिरफ्तार कर रखे इस मामले में। एक जहलाका गांव का मैटर था, वहाँ पे एक युवक को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसके हाथ पैर तोड़ दी और जब उसको बचाने के लिए कुछ लोग गए वहाँ पर, तो जान से मारने की नीयत से वहाँ पे मनोज नरवीर और धीरज, इन 3 लोगों ने फायर किया। 2 इनके साथी और थे इसमें, और हमने इनमें से मनोज और ये नरवीर और धीरज 3 आदमियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है और ये अभी पुलिस रिमांड के दौरान नरवीर से हमने एक जो 32 बोर की पिस्टल है वो रिकवर की है। तो पूरा मामला क्या था, ये किस लिए, कोई पुरानी रंजिश को लेकर उसको मारने की नीयत से था या कोई और बात थी? इनकी कोई पुरानी रंजिश थी, पहले कोई इनके परिवार पे हमला हुआ था, जो ये अक्यूज है, इनमें किसी के फादर को चोट मारी थी और उसी का बदला लेने के लिए इन्होंने इस युवक को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद इसके हाथ पैर तोड़े और जब वहाँ गाँव आए तो इन्होंने जान से मारने के लिए वो फायरिंग की थी। अब आपने कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है? 148, 149, 323, 365, 307 IPC और 120 BIPC के तहत कार्रवाई की गई।